इस दिवाली तनिष्क लाए हैं अलेख्या, मीनाकारी और प्रोही कारीगरी का जादू। आज ही आइए और घर ले जाइए हमारा नया दिवाली कलेक्शन। गोल्ड ज्वेलरी की मेकिंग और डायमंड ज्वेलरी की वैल्यू पर अप टू 20% ऑफ के लिए विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। शर्तें लागू। देखिए, कुछ समय से पुलिस मुख्यालय के द्वारा अवैध हथियारों के खिलाफ एक अभियान चलाया गया है। उसी अभियान के तहत पुलिस टीम, क्लॉक टावर थाना टीम, इसके साथ साथ DST की जो टीम है, वो लगातार जो ऐसे अपराधी थे जो किसी ना किसी तरीके से अवैध हथियारों की तस्करी में शामिल थे, उनको ढूंढने की फिराक में थे। ऐसे ही एक प्रकरण में मुखबिर खास के इतला पर DST के दो मुलाजमान जो हमारे हैं, एक तो महिपाल और सीताराम, को आसूचना प्राप्त होने पर उन्होंने इसको फर्दर डेवलप किया और उन्होंने पता किया कि एक अभियुक्त भूमाराम, जो कि जोधपुर का रहने वाला है, पहले भी कई आपराधिक प्रकरण उसके खिलाफ दर्ज हैं, जो अवैध हथियारों की तस्करी में संलिप्त है, उसकी सूचना पहाड़गंज क्षेत्र में होने का की लगी। उसी को डेवलप करते हुए टीम ने एक प्लानिंग के तहत उसको गिरफ्तार किया और उसके पास से 4 पिस्टल और 4 कारतूस बरामद हुए। ये भी अनुसंधान का विषय है, उससे पूछताछ में सामने आएगा। ये जोधपुर निवासी है। पूर्व में जो इसने अवैध हथियारों की सप्लाई की है, वो ज़्यादातर भीलवाड़ा और जोधपुर शहर में की है। इसकी मौजूदगी इस बार यहाँ पर थी, तो हो सकता है कि लोकली किसी को ये सप्लाई करना चाह रहा हो। प्रारंभिक पूछताछ में जो इसने अभी तक बताया, वो यही सामने आया कि ये पहाड़गंज के पास वाले एरिया में, वहाँ सुनसान क्षेत्र में वहाँ था। वो कॉल डिटेल्स और वो सब जो है, उसकी वो विश्लेषण और बाकी इससे पूछताछ की जाएगी, उसके सामने जो भी आएगा शेयर किया जाएगा।